हेलो गाइस, वेलकम टू सुषमा रियल लाइफ। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ और थोड़ा आउटफिट दिखाना चाह रही हूँ आपको अपना। तो ये मैंने ड्रेस पहनी है आज, और मैं जा रही हूँ बलदाव जी दर्शन करने। और वहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम है फैमिली में, मतलब दीदी की बेटी कुछ प्रोग्राम कर रही है वहाँ, पोशाक चढ़ाने वगैरह का। तो हम लोग सब लोग इकट्ठे होंगे घर के लोग वहाँ पर। तो ये आउटफिट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये मैंने पहना है। आप बताइए कैसा लग रहा है अच्छे से? हाँ, अब दिख रहा है मेरा आउटफिट। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि साड़ी पहनने का मेरा मन नहीं था। साड़ी तो पहनने में बहुत टाइम लगता है, हमको जल्दी जाना था, तो मैंने ये जुगाड़ बना के पहना है। आउटफिट मेरा जुगाड़ वाला है। बताइए कैसा लग रहा है? हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं और निकल रहे हैं बस दाऊ जी जाने के लिए, जो कि ब्रज में एक जगह है, बलदाव जी या दाऊ जी बोलते हैं उसको, जगह का नाम है ब्रज में। आप लोग भी शायद सुना होगा, ब्रज के लोग तो जानते ही हैं, लेकिन दूर दूर के लोग शायद नहीं जानते हों। ये मैं गिफ्ट ले जा रही हूँ उसको देने के लिए। तो ये गिफ्ट रख लेती हूँ पहले, क्योंकि इसका बड़ा ख़राब नहीं हो जाए ये डर लग रहा है, तो इसको मैं संभाल के रखवाना चाह रही हूँ। और अब हम चल दिए, पूरी तरह तैयार हो गए थे, अब हम निकल रहे हैं दाऊजी के लिए। और क्योंकि वापस लौट के ज़रूर आना है आज। आओ भाई, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, अब देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला तो ठीक है, ट्रैफिक मिला तो हम, मुझे लग रहा है टाइम से पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि पोशाक को चढ़ना था जल्दी, पोशाक जल्दी ही चढ़ती है, और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो ट्रैफिक मिलता ही जाता है, फिर तो देर में देर होती ही जाती है। और गाड़ी को तो खूब दौड़ा रहा है ये, पर फिर भी ये तेज़ गाड़ी नहीं चलाने देते हैं। तो देखते हैं अब जितने बजे पहुंच जाएंगे। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको दाऊ जी महाराज के दर्शन कराऊंगी। जिन लोगों ने नहीं किए होंगे वो ज़रूर करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें मेरे साथ, आपको घर बैठे ब्रज के दर्शन हो जाएंगे, वो भी बलदेव जी के। तो ये तो बहुत भाग्यशालियों वाली बात है ना, तो आप भी करिए जरूर दर्शन। देखिए एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं अपनी, ये पायल है मेरी, जो कि मेरी बच्ची मतलब मेरी बहू लाई है, और मुझे बहुत सुंदर लग रही है। एंटीक टाइप की हैं ये, एंटीक की पायल हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने एक भी दिन नहीं पहनी थी, तो आज मैंने पहन ली, वो भी खुश हो जाएगी मेरी पायलों को देख के, और मुझे भी अच्छी लग रही हैं ये। इधर चिंता लग रही है कहीं गिफ्ट ख़राब ना हो जाए, तो उसे मैं बार बार संभाल रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने पैक कराया है, तो ये गिफ्ट रखा है। पता है आपको, आज मेरा आउटफिट बिल्कुल जुगाड़ वाला है, कहीं से कुछ उठाया है, कहीं से कुछ उठाया है, जब तैयार हुई हूं मैं। हाँ, मैंने एक जूड़े में पिन लगाई है, ये बताइए कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना, रेड की वजह से ये मैच कर रही थी मेरे आउटफिट पे, तो मैंने इसलिए लगाई है। ये दाऊ जी का मोड़ है ये। हाँ, ये रोड तो अच्छी है वैसे दाऊ जी की, बहुत अच्छी रोड है। इनका नाम बलदेव जी भी है, कृष्ण के बड़े भैया। हम लोग दाऊ जी आ चुके हैं, केवल 500 मीटर दूर बचा है। किसी ने बताया था कि 500 मीटर दूर है, और यहाँ बोर्ड भी लग रहा है कि 500 मीटर दूरी है यहाँ से। तो हम बलदेव जी अब आ चुके, यहाँ से शुरुआत हो गई है ये पीले पीले वस्त्र बिकने की। देखिए बस पहुँचने वाले हैं हम मंदिर के पास, वहाँ पास में ही पार्किंग भी है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि पार्किंग अंदर भी है। हम तो चले चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ रुकेंगे, और नहीं तो उधर से कोई लेने आ जाएगा शायद। फोन तो आ चुका है कि वहाँ से कोई बताने आ रहा है कि हमको कहाँ तक जाना है, क्योंकि मंदिर के अंदर ही भंडारा, वो प्रसाद वितरण और जो पूजा पाठ है वो सब मंदिर के अंदर ही होने वाला है, अभी पता चला है हमको उनसे। वहीं पे जो है रास वगैरह होगा, वहीं प्रसाद वितरित होगा, और वहीं पे पूजा पाठ सब कुछ वहीं होने वाली है। तो हमें गाड़ी वहीं तक लेके जानी है, तो अब थोड़ा सा बच गए धूप से भाई हम, तो नहीं तो धूप में बुरा हाल हो जाता, क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, रोज़ाना गर्मी इतनी पड़ती नहीं थी। तो हम लोग आ गए अब पार्किंग पे,
लेकिन यहाँ के पंडा ने बताया कि मंदिर पे ही जाके आप राधे गाड़ी राधे तो पीली रोकिए, लिख लिख रही है, जिनके यहाँ लाल प्रोग्राम लिख है रहा है। उनकी गाड़ियों की व्यवस्था वहीं होती है। अच्छा, तो हम जा रहे हैं अब सीधे गाड़ी सीधे। लेके अंदर हाँ मंदिर तक। गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, ब्रज की गली तो आप लोग जानते ही हैं, ब्रज की नहीं गलियाँ तो बोला बहुत आपने, छोटी मुझे होती तो ऐसे हैं। ही छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनमें से निकाल के मंदिर जैसे की तैसे साइड में सोनू जो है। भाई हमारे ले जा रहे हैं। और अंदर मंदिर में बहुत जगह बताते हैं, तो अंदर मंदिर में बहुत जगह है। ये यहाँ के गलियाँ हैं, हम देखिए लोग ये कितनी छोटी बताते छोटी हैं कि गलियाँ हैं। और ये छोटी छोटी शॉप खुली हुई हैं, प्रसाद वगैरह की, मारपीट हर कर चीज़ डाली की खुली और हुई वो हैं, जो दो से यहाँ पर तीन ज़रूरत करोड़ की वकील चीज़ें लगा हैं के सन मंदिर के लिए, वो सभी राम चीज़ें भगवान यहाँ के लिए मिलती प्रस्थान हैं। करेंगे। कुछ ना है, कोने में देखो ये खड़ी है गाड़ी बहुत सारी। वो तो खड़ी तो है, गेस्ट बहुत हाउस की धूप हो रही तरह है, है वो गाड़ी तो, से उतर उसमें चुके अपना। हैं, लेकिन गाड़ी लाने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब आ गए हम मंदिर के अंदर। ये दाऊजी महाराज का मंदिर है मैं आ और गई हूँ यहीं दाऊ पे जी के हम दर्शन पार्क करने। कर लेंगे लौट गाड़ी। के आएंगे। ये देखिए, ये है मंदिर दाऊजी महाराज का, सभी लोग ये दर्शन दाऊ जी का करिए। मंदिर। बहुत बड़ा प्रांगण है, खूब सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हो रही हैं। यहाँ मुझे अपने लोग ढूंढने पड़ रहे हैं कि किधर उनका रूम है और किधर हमको जाना है। तो धूप की वजह से मैं एक साइड खड़ी हो गई हूँ और देख रही हूँ कि किधर मुझे जाना है। और ये पंडा लोग यहाँ बैठे हैं, वो सोच रहे हैं मैं कहीं बाहर से या दूर से हूँ। और ये चंदन भी लगा जय दिया दाऊ है जी। मेरे, ब्रज में आके राधे राधे ना लिखवाओ तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता ना। और अब देखिए ये सभी लोग हमारे आके खड़े हैं, मुझे पता चल गया कि यहाँ रुके हुए हैं ये, इनके रूम वगैरह यहाँ हैं। तो मैं उनके पास पहुँचती हूँ अभी। धूप बहुत हो रही है, बड़ी घबराहट सी होती है धूप में चलने में। ये मिल गए राधे सब लोग। राधे। अब सब लोग मिल जाते हैं ना प्रोग्राम में किसी बहाने से, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरी बहन भाभी, सभी लोग मिल गए हैं। मैं जरा सा गाड़ी से उतरी थी कि चंदन लेके जो बैठे रहते हैं ना बच्चे बड़े, उन्होंने मेरे चंदन लगा दिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा चंदन लगवा के। राधे राधे लिखवाना, बहुत खुशी मिलती है अंदर से। थे इधर दीदी भी आई हुई थी, उनकी भी तबीयत खराब हो रही, फीवर हो रहा था, मुझे भी फीवर हो रहा था, जुकाम खांसी हो रहा था, लेकिन हम सब लोग गए क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा जिद थी कि सबको आना है ज़रूर। तो हम सब लोग जैसे तैसे पहुंच ही गए, सारे प्रोग्राम में इकट्ठे हो गए। खुश रहो, खुश रहो। कैसी गोपी सी लग रही हो? आई थैंक यू। मैं आ ऐसी जगह रही हूँ तो गोपी बन के आऊंगी ना। ये है हमारी बच्ची जो कि दीदी की बेटी है, और इसने पोशाक चढ़ाई है दाऊजी महाराज पे, तो उसी के उपलक्ष्य में ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, जो कि रास होगा यहाँ और सारा प्रोग्राम होगा जो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं क्योंकि सब नाश्ते का टाइम भी ख़त्म हो गया, हम थोड़ा देर से आए हैं। पहले ब्रेकफास्ट हम यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद और कुछ दिखाएंगे। ये हमारी आ गई ये रानी, बड़ी खुश हो रही हैं हम वहाँ मिल गए तो। तनु है रास्ते में, खुश हो रही है कि मौसी आ गए, मौसी आ गई। तो इसने प्रोग्राम रखा है यहाँ दाऊजी के पोशाक का और रास का प्रोग्राम इन्हीं लोगों ने रखा है। ये इसकी दौरानी है और इनकी सासू माँ भी, ये तीनों चारों लोग कपड़े पहने हुए हैं। चलो पोशाक तो चढ़ चुकी है, अब मैं जा रही हूँ। पहले सोच रही हूँ, पहले मैं करने दाऊ जाना जी के है। दर्शन करके आऊँ, तो मैं दाऊ जी के दर्शन के लिए जा रही हूँ अपनी गुड़िया के साथ, जो कि ये भी दीदी की पोती है। ये मंदिर जहाँ हम लोग धर्मशाला में रुके हैं ना, वो जगह है। आप लोग भी कभी आए तो देखिए, यहाँ बहुत बड़ी जगह है, अंदर आप रुक सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं कुछ भी। तो ये वही जगह है, अब हम पहले दर्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद सोचेंगे यहाँ बैठने उठने के लिए। फिर मैं आपको कुछ मेरा आने का पहले नहीं था मंदिर चलिए आप मेरे साथ। ये है मंदिर का एंट्रेंस, कुछ नहीं बताया मंदिर जाते हैं दाऊजी के दर्शन करने। तो ये देखिए बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण जगह है अगर आप मानेंगे तो। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है ब्रज की, क्योंकि आप दर्शन नहीं कर पाए तो इस यहाँ जरूर करिए। मैं आपको दर्शन करा रही हूँ यहाँ दाऊजी। चलो सबको दर्शन कराती हूँ दाऊजी महाराज के। मंदिर प्रांगण है, पहले यहाँ पे दर्शन कर अभी मैं दिखाऊंगी आपको, शायद हो जाए दर्शन तो हो ही जाए।
देखिए मैं पास ले जाके देखिए सबको दर्शन करा रही हूँ दाऊजी महाराज, थोड़े से भी दर्शन हो जाएंगे बहुत तो ज्यादा सुंदर दर्शन है, बस जीवन सफल हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि पोशाक का टाइम निकल गया। पोशाक के टाइम पर तो सभी को अंदर आने दिया था हम लोगों को, परिवार के सभी लोगों को, लेकिन अब हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं और अंधेरे में ठाकुर जी बैठे रहते हैं। ये देखिए बहुत कोशिश करी है मैंने, ये देखिए बहुत अंधेरा रहता है वैसे अंदर। ये है दाऊ जी महाराज की, दाऊ जी महाराज के दर्शन करिए बहुत अच्छी तरह मैं करा रही हूँ आपको दर्शन। ये दर्शन करिए दाऊ जी महाराज के, ये है सांवले दाऊ जी, आपने गोरे दाऊ जी भी सुने होंगे, पर एक दो जगह गोरे दाऊ जी का मंदिर है, बाकी सब जगह ये सांवले या काले दाऊ जी का मंदिर। तो ये है सांवले दाऊ जी और ये मेन जगह यही है दाऊ जी महाराज की, बलदेव भी बोलते हैं जगह को, तो ये बलदेव जी का मंदिर भी बोला जाता है और दाऊ जी महाराज का मंदिर भी बोला जाता है। और माता जी के दर्शन कराए जाएंगे, मैं अभी आपको कराऊंगी थोड़ी देर में, देखो कितनी भीड़ साइड जा रही है। देखिए मैं यहाँ से कराऊंगी अभी, आज चढ़ी है दाऊ जी पे चार पोशाक, रेवती जी के दर्शन होते हैं यहाँ से, पहले हम बलदाऊ जी के दर्शन करके फिर रेवती जी के दर्शन करते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वहाँ रेवती जी खड़ी हैं, रेवती जी के दर्शन का बहुत महत्व होता है, तो रेवती जी के दर्शन कराए मैंने आपको और लोग तरसते हैं इन दर्शनों को। अरे नेक मैया जाती है भाई। तो यहाँ इतने ही दर्शन हो पाए और हम लोग वापस फिर दाऊ जी के दर्शन के लिए चले गए। अच्छी तरह हमने दर्शन किए हैं आज, बहुत अच्छा लगा दर्शन करने में, और क्योंकि अंदर मंदिर के अंदर जो है अंधेरा रहता है, वहाँ कुछ जलाते नहीं है और लाइट नहीं होती है, इसलिए वहाँ दर्शन इसी तरह से हो पाते हैं। और दर्शन करके हम पूरे मंदिर में जो फूल बंगला वगैरह सजवाया था वो देखा हमने, और जहाँ कीर्तन भजन चल रहा था वहाँ भी गए, बहुत अच्छा लगा। कीर्तन भजन होता है ना तो ये मन करता है बस यहीं बैठे रहो। तो इसने आज हम सभी को इकट्ठा कर लिया, सभी बहन है, मौसी, जो परिवार के लोग हैं सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, और इसकी वजह से ये भगवान के नाम की वजह से यहाँ इकट्ठे हुए। ये छोटी वाली है अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करते जाइए भगवान के नाम पर, क्योंकि आपने बलदाऊ जी के दर्शन करे हैं और पता नहीं आपने पहले किए या नहीं किए, एक बार और आपको दर्शन मिल गए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। क्योंकि हम लोग अभी बहुत लंबी वीडियो कर देंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाह रही हूँ। आगे का प्रोग्राम मैं अगली वीडियो में जरूर देखूंगी, शोर हो रहा है इस टाइम, कल के वीडियो में इससे आगे का प्रोग्राम डालूंगी। ये हमारी बहुरानी बैठी है और चलिए फिर मिलते हैं आज का आगे का प्रोग्राम लेके, कल जरूर मिलूंगी आपसे। ये है हमारी वीडियो, तो चलिए अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।